वेस्ट इंडीज क्रिकेट अभी भी कर रही है स्ट्रगल, और एक वक्त पे जो टीम इतनी बड़ी चैंपियन होती थी, अब बहुत ज़्यादा एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है वेस्ट इंडीज क्रिकेट को। और बात करें उनके अभी की लेटेस्ट न्यूज़ की, तो वो ये है कि वेस्ट इंडीज के 3 बड़े स्टार क्रिकेटर्स ने मना कर दिया है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने से, उस पर साइन करने से। उन्होंने कहा कि वी विल बी अवेलेबल फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2024, बट हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के साथ। और बात करें वो 3 प्लेयर्स की, उससे पहले बता दें कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम। 2022 T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। 2023 ODI वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज़ की टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में होने वाला है, वो वेस्ट इंडीज़ में ही होने वाला है। एंड दैट इज़ अ रीज़न, सिंस दे विल बी द होस्ट, उस वजह से वेस्ट इंडीज़ की टीम को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल गई है। तो चलो, यहां से एक सीढ़ी पार हुई। लेकिन दूसरी पड़ाव की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ के जो 3 स्टार क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने मना कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से। और वो 3 प्लेयर्स हैं, जेसन होल्डर, निकोलस पोरन एंड काइल मेयर्स। तीनों ही बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस बल्लेबाज और गेंदबाज और ओवर ऑलराउंडर्स हैं यहाँ पे। तो अब ये तीनों के तीनों प्लेयर्स ने मना कर दिया कॉन्ट्रैक्ट लेने से और बोला है कि हम अवेलेबल तो रहेंगे, बट हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाले हैं। और अगर बात करें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, तो उसमें ये हो जाता है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना होगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा आपको वो सब शर्तें माननी पड़ेंगी, उनके लिए खेलना होगा, या बाहर की लीग्स होंगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है टर्म्स माननी पड़ेंगी। तो इन तीनों प्लेयर्स ने बोला है कि हम वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, बट वी विल बी अवेलेबल फॉर द T20 इंटरनेशनल मैचेस जो भी वेस्ट इंडीज़ के होंगे अगले एक साल तक, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात करो या ओवरऑल T20 सीरीज़ कोई भी हो। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड ने भी उनका ये रिस्पेक्टफुली अग्रीमेंट लिया है, और उन्होंने बोला है कि वी डोंट हैव एनी इश्यूज़, एंड लेट्स सी कि किस तरह से उनको टीम में रखा जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या वेस्ट इंडीज़ के तीनों प्लेयर्स आगे T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए दिखेंगे या नहीं। बोर्ड ने इनका अग्रीमेंट तो ले लिया है, इनकी तरफ से हम ही भर दिए, रिस्पेक्टफुली ये डिसीजन मान लिया गया है, लेकिन क्या बोर्ड इस डिसीजन को लेकर क्या आगे इनको अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखेगा या नहीं रखेगा, वो एक सवाल आता है। कमेंट्स में आप ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये तीनों प्लेयर्स खेलने वाले हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 या नहीं। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, ऐसी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए CG News को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।